हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्ना और आप देख रहे हैं अन्ना बोलेगा। तो आजकल बारिशों का मौसम है और अधिकतर लोग बारिशों से परेशान हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो बारिश है अगर ना होती तो हमारे देश में अब भी कई जगहों पर किसान खेती के लिए बारिश के ऊपर निर्भर है, क्योंकि सिंचाई के लिए बारिश के अलावा उनके पास और कोई जरिया नहीं है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, और अगर खेती नहीं होगी तो आपकी प्लेट में खाना नहीं आएगा, फिर महंगाई और भुखमरी। क्या सच में बारिश इतनी बुरी चीज़ है कि सिर्फ कुछ गड्ढों और गीले होने के डर की वजह से हम बारिश को कोसें? बारिश जीवनदायिनी है और हमारे और प्रकृति के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो धरती नामक तवे पे हमारा डोसा बन रहा है ना, उसमें राहत देने के लिए आई है। तो अगर बारिश हो तो भागिए नहीं, छत मत खोजिए, छाते कभी कभार बंद रखिए। किस बात का डर है आपको? भीग जाने का? क्या हुआ अगर भीग जाएंगे? हम मिट्टी के मानस जरूर कहलाते हैं पर पिघलेंगे नहीं, थोड़ी देर में फिर से सूख जाएंगे। और रहे आपके महंगे ब्रांडेड कपड़े, वो भी सूख जाएंगे। तेजाब नहीं बरस रहा है, पानी बरस रहा है, सिर्फ पानी, शीतल निर्मल जीवनदायिनी पानी। मोबाइल और पर्स को किसी चीज या बैग में कसकर बांध लीजिए और निकल पड़िए। थोड़ा धीरे चलिए, जल्दबाजी करके भी क्या मिल जाना है। बारिश बदलाव है, मौसम का, मन का, जीवन का, कल्पनाओं का, सब कुछ धुल रहा है। प्रकृति सब कुछ धो रही है, ये सड़क, ये बिल्डिंग्स, ये पॉल्यूशन, सब कुछ धुल रहा है। आप क्यों मनहूसियत को अपने से लपेटे घूम रहे हैं? धो डालिए। याद कीजिए बचपन में पानी में तैरती हुई कागज की वो नाव, स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी के नीचे डिस्को करती हुई पानी की वो बूंदे, जिन्हें देखकर मन को खुशी मिलती थी, सुकून मिलता था। याद कीजिए जब स्कूल कॉलेज से भीग कर घर आते थे तो माँ का दुलार और प्यार, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। याद कीजिए वो दोस्त जो बारिश में भीगने के लिए जबरदस्ती खींच के आपको बारिश में ले जाते थे, उनका शोर, उनकी मस्ती, उनका बेसुरा गाना और उनका याराना। चलते चलते सब याद कीजिए। दोहराना आसान नहीं है, दोहरा नहीं भी सकते तो सहेज के तो रख ही सकते, ताकि फिर कभी किसी दिन बारिश में अगर निकले इन्हीं यादों को सोच सोच कर फिर से मुस्कुरा सकें। जुकाम से मत डरिए, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बारिश से डरेंगे तो फिर जुकाम आपका डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। बारिश बड़े दिनों के बाद आई है, थोड़ा चल लीजिए, थोड़ा भीग लीजिए, खुद से थोड़ा सा मिल लीजिए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि बारिश सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है। जैसे सावन में बेटियां आती हैं, बारिश हो रही है, उसके सहारे कुछ पल अपने लिए भी जीने की कोशिश कीजिए। कुछ दिन बाद चली जाएगी, फिर ये मत सोचिएगा कि अब कब वापस आएगी। तो आज से गड्ढों और पानी भरने के डर से बारिश को कोसना बंद कर दीजिए। वो हम इंसानों की गलती है कि कहीं पे पानी जमा है या रोड में गड्ढे पड़ गए हैं। जब बनाने वाला रोड बनाने में घोटाला करेगा तो रोड पे तो गड्ढे पड़ेंगे, और जब पानी की निकासी हम नहीं छोड़ेंगे, खुली जगहें हम नहीं छोड़ेंगे, तो पानी भी रोडों पे भरेगा। आशा करता हूँ आज से बारिश के प्रति जो आपके नकारात्मक ख्याल हैं, नेगेटिव व्यूज हैं, उनको आप कम कर देंगे या बंद कर देंगे और अपने इन व्यूज को बदलने की कोशिश करेंगे। सो मैं अन्ना, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।